अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। ये मैंने दो ट्राउज़र्स लिए हैं लाइमलाइट से, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इनको ख़ुद स्टिच करूँ। तो अभी मैं इनको सेट कर रही हूँ और फिर मैं इनकी कटिंग करूँगी। कॉर्नर्स, ये वाली जो साइड है लेंथ वाइज, उसको हमने फोल्ड किया है। अच्छा, तो बेसिकली हमने इसको सेट किस तरह से किया है, हमने इसको लेंथ वाइज फोल्ड किया है। ठीक है, इसके जो लेंथ वाइज, जो इसके लंबाई के रुख पे जो इसके कॉर्नर्स हैं उनको हमने आपस में फ़ोल्ड किया है। और दोनों ट्राउज़र जो हैं, हमारा जो मेहरून कलर का ट्राउज़र है, जो ऑफ वाइट कलर का जो ट्राउज़र है, दोनों को एक साथ एक जैसा ऊपर नीचे फोल्ड करके रखा है टाइम सेविंग के लिए, ताकि एक दफ़ा ही हम निशान लगा लें नीचे वाले ट्राउज़र पे भी और ऊपर वाले ट्राउज़र पे भी, और साइड बाय साइड दोनों की एक साथ कटिंग हो जाए। ठीक है, क्योंकि लेंथ वाइज भी दोनों सेम होंगे और स्टाइल कुछ इस तरह का नहीं है, बस दोनों पे डिफरेंट तरह की, एक पे लेसेस लगाऊंगी, एक पे खुद से कुछ स्टाइल करूँगी। तो देखते हैं आज क्या करने वाली हूँ मैं। अलग अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इज़ दैट। ओके गाइस, तो अब ये देखें, ये वाला एरिया 2 इंच मैंने बेल्ट के लिए मोड़ा है, और क्योंकि मैं 39 या 40 तक मेरा जो ट्राउज़र का नाप होता है, तो मेरा 40 अब मैंने इसको रखा है नाप पे, और 42 पे हम इसको कटिंग करेंगे। ओके गाइस, तो कटिंग के लिए सबसे पहले सिलाई के लिए हमारे पास ये 3 चीज़ें होना ज़रूरी हैं। एनजी टेप, ये निशान लगाने के लिए चौक, इसका इस तरह से हाल हो गया, पहले ये ठीक था, और ये है सीज़र। ओके, तो अब ये हमने 2 इंच पे हमने फोल्ड किया था ना हमारा जो बेल्ट वाला एरिया था, तो अब यहाँ पे हमने ये निशान लगा लिए चौक से, और इसी तरह नीचे वाले ट्राउज़र में भी। ठीक है, ओके गाइस, तो इस निशान से लेके यहाँ तक, अब देखिए ये मैंने 2 निशान लगाए हैं, यहाँ तक हमारी 40 पे हमारा जो ट्राउज़र है वो तैयार होगा। तो इतना एरिया हमने एक्स्ट्रा रखा है, वो फिर बीच में फोल्ड में आ जाएगा। तो ये तकरीबन 42 से 43 तक का ये वाला एरिया है, 40 पे हमारा ट्राउज़र तैयार होगा, और ये वाला जो सारा एक्स्ट्रा एरिया है इसको हम कट कर देंगे। ओके, तो वो एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको मैं कट कर रही हूँ। और यहाँ मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरे जो कपड़े होते हैं वो काफ़ी खुले होते हैं, मतलब मैं उनको थोड़ा लूज़ रखवाती हूँ, क्योंकि मुझे तंग तंग कपड़े पसंद नहीं है। तो अब मैं निशान लगाने लगी हूँ ये जो मयानी का जो एरिया होता है उसका, तो 2 इंच जो हमने ऊपर रखा था उस कपड़े को अंदर करते हुए, ये तकरीबन 14 to 15 है, लेकिन 1 इंच मैं इसको एक्स्ट्रा रखूँगी क्योंकि वो सिलाई में आ जाएगा, और यहाँ पर मैं इसको निशान लगा दूँगी। इसके अलावा गाइस, अब यहाँ पे निशान लगाने के बाद हम पांचे का साइज़ लेंगे। पांचे का यहाँ पे जो साइज़ रखा हुआ है वो तकरीबन 9 है, 9 से 2 पॉइंट्स ऊपर है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा खुला रखना चाह रही हूँ, तो मैं इसको 10 पे तैयार रखूँगी, और थोड़ा सा मैं इसको एक्स्ट्रा तकरीबन 2 इंच एक्स्ट्रा मैं इसको रखूँगी, जो कि सिलाई में आ जाएगा, और पांचा तकरीबन 10 इंच हो जाएगा, यानी कि अभी इस करंट नाप वाले ट्राउज़र से 1 इंच खुला। और यही वाले सारा फिर हम निशान लगाते जाएंगे, जो कि कटिंग में आ जाएगा और बीच में सिलाई की एक लाइन होगी। अच्छा, तो अब मैं इसकी मेजरमेंट करने जा रही हूँ बेल्ट से नीचे जो हिप्स वाला एरिया होता है उसकी। तो ये भी तकरीबन 14 to 15 पे तैयार है, लेकिन क्योंकि हम सिलाई वाला एरिया भी बीच में कवर कर रहे हैं, तो इसलिए हम 1 इंच थोड़ा सा खुला रखेंगे। ठीक है, अब देखिए हमने ऊपर से लेके बेल्ट वाले एरिया से लेके हमने पांचों तक सारे अपने निशान लगा लिए हैं। ठीक है, तो अब हमने देखें एक लाइन मैंने पूरी ड्रॉ कर दी है, जहाँ जहाँ निशान लगे थे उससे तकरीबन 1/2 इंच का मैंने मार्जिन रखा है। 1/2 इंच का मार्जिन मैंने इसलिए रखा है कि चलो कटिंग में अगर थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है तो वो इस तरह से कवर हो जाएगी। और दूसरी बात, ये मेजरमेंट तो हमने एक साथ की है, लेकिन कटिंग अब हम अलग अलग करेंगे, ठीक है, ताकि सही तरीके से हो। इसके अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं फ़र्स्ट टाइम कटिंग की वीडियो बना रही हूँ, तो अगर मैंने नेम्स गलत लिए हैं तो उस पर माइंड मत कीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अभी टाइम नहीं मिला है, मैं बहुत मुश्किल से एडिटिंग का टाइम निकाल रही हूँ,
तो मैं नेक्स्ट टाइम प्रॉपरली नाम सीख के फिर दोबारा वीडियो बनाऊंगी। अच्छा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने ट्राउज़र का जो पांचा है उसको हमने फोल्ड कर दिया है, ठीक है। और अब मैं ये चाह रही हूँ कि मैं थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करूँ, जिसके लिए मैं दो तरह की लेसेस लेके आई हूँ। एक ये वाली लेस है, जोड़ लेस इसको कहते हैं आई थिंक, और एक ये है। तो 35 निशान मैंने इसलिए लगाए, ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि मुझे याद रहे और इतने गैप से मैंने लगाना है। 35 पे हम जोड़ लेस लगाएंगे और 38 पे दूसरी। ओके गाइस, तो वो जोड़ लेस लगाने का जो सारा क्रेडिट है वो मेरी बहुत डियर फ्रेंड है, उसको जाता है, क्योंकि आज से पहले मैंने कोई जोड़ लेस नहीं लगाई थी, तो इन्होंने मुझे बताया कि कैसे लगानी है, तो अब मैं उसी तरह से लगाऊँगी। हाँ जी, माशाल्लाह, ये देखें। अब मुझे ये तो पता है कि मैं सिलाइयाँ तो बहुत अच्छी सीधी सीधी लगाती हूँ, और मेरे हाथ में ना बहुत सफाई है, मुझे पता है। तो क्योंकि आज से 3-4 साल पहले जब मैंने ये स्टार्ट किया था काम थोड़ा बहुत सीखना, तो जिनके पास मैं सीख रही थी उन्होंने ही मुझे कह दिया था कि तुम्हारे हाथ में बहुत सफाई है, तो तब से फिर मुझे याद है। अब एक देखिए जोड़ लेस लग गई है, अब देखो देखें पांचे को फोल्ड किया है और अब दूसरी लेस लगाते हैं। ओके गाइस, तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी लगाई है। सीरियसली मैं अपनी चीज़ों की ना खुद ही तारीफ करती रहती हूँ, ये मेरी पुरानी आदत है, लेकिन अभी ऑनेस्टली स्पीकिंग बताएं कितनी अच्छी मैंने बिल्कुल सीधी सीधी लगाई है, और कितनी सफाई है इस दूसरी लेस में। देखें, बार बार वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि मुझे देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा, तो इसके साथ साथ अब देखें, एक पांचा हमारा कंप्लीट हो गया था ट्राउज़र का, तो अब हम मैंने दूसरा स्टार्ट किया, तो दूसरा भी देखें कितनी क्लियरली नीट क्लीन बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई लग रही है, माशाल्लाह। ओके, तो अब यहाँ पे देखें हमारा ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया, दोनों पांचों का, दोनों लेसेस लग गई हैं, जोड़ वाली लेस भी लग गई है, दूसरी भी लग गई है, और उन्हीं पॉइंट्स के पास आस पास या पास लगी है। और अब हम इसके जो बीच वाली सिलाई है वो लगाते हैं, और ये जनाब हमने यहाँ पे वो सिलाई लगा दी है, ऊपर हम लोगों ने इलास्टिक जो है वो भी डाल के सिलाई लगा ली है, और माशाल्लाह हमारा जो एक ट्राउज़र है वो पूरी तरह कम्प्लीट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आज का दिन बिल्कुल भी वेस्ट नहीं गया। मेरी कोशिश थी कि दोनों ट्राउज़र्स को मैं आज ही कंप्लीट करूं, और इसी सोच के साथ मैंने पहले ट्राउज़र को फोल्ड किया और दूसरे ट्राउज़र की तरफ फिर मैं बढ़ी। एक बात मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, मेरी जो बड़ी बहन है ना बाजी, वो ये देख के यकीनन खुश हो रही होंगी कि मैंने इतना अच्छा स्टिच किया है। ओके गाइस, तो दूसरे ट्राउज़र पे मेरा प्लान था कि मैं समोसा लेस लगाऊं। अब आपको पता है आजकल समोसा लेस का बहुत ट्रेंड है, और ऐसा नहीं कि ये समोसे मैंने पहली दफ़ा बनाए हैं, एक दफ़ा पहले भी मैं रफ़ समोसे बना चुकी थी, लेकिन आज क्योंकि सेकंड टाइम था तो इसलिए ज़्यादा सफाई से बने। तो बाकी ट्राउज़र का सारा प्रोसेस कम्प्लीट हो गया था, सिर्फ एंड पे समोसे बना के छोटे छोटे पांचे वाली साइड पर हमने सिर्फ अटैच करने थे सिलाई के साथ। और ये मैं मेहनती लड़की ट्राउज़र्स कपड़े सीती सीती, बीच में हमने कहा कि आइसक्रीम को भी इंजॉय किया जाए। और यहाँ पे गाइस अब हमारे ट्राउज़र्स कंप्लीट हैं, ये देख सकते हैं आप, समोसा लेस भी बहुत अच्छी सफाई से लगी है, और दूसरी तो खैर लगी ही लगी, लेकिन ये बहुत अच्छी है। वीडियो कंप्लीट देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।